वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको द हिंदू के शॉर्ट नोट में क्या मेंशन करना है वो बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रिजाइन किए हैं उसको आपको लिखना जरूरी है। तो आपको बस वन पॉइंट में, इसको वन लाइनर में लिखना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली अनिल बैजल रिजाइन। तो अनिल बैजल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे दिल्ली के, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ये आपको वन लाइन में लिखना है। आगे देखते हैं। ये पेट्रोल में जो एथेनॉल ब्लेंड की बात की जा रही है, जिससे 20% रेज हो गया है, ये जो इसमें ब्लेंड किया जा रहा है 3 सालों में, ऐसा देखा गया है, तो उसको भी आपको वन लाइनर ही लिखना है, जिससे आपको पता रहे कि चीज़ें क्या थी। इसमें लिखना है एथेनॉल ब्लेंड इन पेट्रोल टू बी रेज टू 20% इन 3 ईयर, 3 सालों में 20% बढ़ा है, ऐसा आपको लिख लेना है। आगे देखते हैं। ये जो है साइंटिस्ट स्टैंडर्डाइज्ड ब्रीडिंग टेक्निक ऑफ बर्ब्स, तो उसमें क्या लिखना है आपको, इसमें ये लिखना है, पहले तो आपको एज इट इज हेडिंग उतारनी है कि साइंटिस्ट स्टैंडर्डाइज्ड ब्रीडिंग टेक्निक ऑफ बर्ब्स, ठीक है, ये हो गया। इसमें ये लिखना है ब्रीडर्स फ्रॉम द कुरुवा पैरल प्रोजेक्ट। तो ब्रीडर्स जो है वो कुरुवा पैरल प्रोजेक्ट के हैं, उन्होंने कलेक्ट किया है। कहाँ से किया है ये कलेक्ट उन्होंने, उन्होंने इदामा लेयर और बूथा थंकेटू जो जगह है वहाँ से, ये क्योंकि वाइड रेंज में पाई जाती है वहाँ पे, तो वहाँ से कलेक्ट किया है। और ये किसके द्वारा हुआ है, फिशरीज एंड ओशन स्टडीज जो केरला की है वहाँ से। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशर, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज, ठीक है, तो वहाँ से किया गया है कुफोस। आगे देखते हैं। ड्रॉट की कंडीशन कितनी वनरेबल है उसको लेके यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। साइड में मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में इम्पॉर्टेंस भी बताया कि क्या आपको लिखना है, क्या आपको पढ़ना है, सॉरी। तो अभी आगे देख लेते हैं इस वाले में आपको क्या मेंशन करना है। इसमें है कि इंडिया वनरेबिलिटी टू ड्रॉट, इंडिया वनरेबल रही है ड्रॉट कंडीशन में, ऐसा अकॉर्डिंग टू 2017 रिपोर्ट में पाया गया है कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उन्होंने बताया कि परसेंटेज ऑफ जो प्लांट है वो अफेक्ट हुए हैं जो ड्रॉट कंडीशन से, वो मोर देन डबल हो गए हैं, ठीक है। लास्ट 40 इयर्स में ऐसा देखा गया है कि वो मोर देन डबल हो गए हैं, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। तो आज के द हिंदू के शॉर्ट नोट के एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको द हिंदू के शॉर्ट नोट का एनालिसिस अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।